ये पकड़ ली, बहुत ताकतवर होता है ना। देखिए कैसे अंदर बिल्कुल बिल्कुल भाई वाला है तुम जवाई साहब। कहीं ना जाएगा, कहीं ना जाएगा तो दोस्तों वंदे मातरम, ये आपके सामने में है एक रेड स्नैक, इसको हम बाहर लेके चल रहे हैं। आ जाइए दिखा दीजिए, और दौड़ने में बहुत ही खूबसूरत होता है साया, और इसकी जो लेंथ होती है लगभग 8 से 10 फीट की लेंथ होती है, और लगभग ये इंडिया के हर कोने में पाया जाता है, हर प्रदेश में पाया जाता है, और ये किसान मित्र जीव है। तो आपको हम अब दिखा रहे हैं, और काफी स्वस्थ और अपने पूर्ण अवस्था में है। वही वाला है, लगभग 8 फीट की लेंथ है इसकी, 8 फीट की है, और बहुत ताकतवर होता है। देखिए फंदा लगाने में माहिर होता है, और कैसे इसने हमारे हाथ को, वही जो आप पकड़े थे, जो आप पक गए थे, आप वाला है, वही वाला है, और जो सामने रहता था, वजन में भी 3 से 4 किलो के बीच में वजन है इसका। ये रेड स्नैक घोड़ा पछाड़, रेड स्नैक है घोड़ा पछाड़, थामन घोड़ा पछाड़ रेड स्नैक, और ये सबसे बड़ी बात है दौड़ने में बहुत पॉइजन पॉइजन तो होता है, ये नॉन पॉइजनस होता है, लेकिन ये चूंकि चूहों को बैक्टीरिया और छिपकली मेढक खाता रहता है, तो उसके अंदर में काफी बैक्टीरिया होते हैं, उसके काटने पे टीटी इंजेक्शन लेना चाहिए, और चिकित्सक को जरूर दिखाना चाहिए। तो दोस्तों आपने देखा एक घोड़ा पछाड़ रैट स्नैक जो कि सोहावल किले से हमने रेस्क्यू किया था, कितने बड़े साइज का था, और ये जीव कहीं भी हो सकते हैं, कहीं भी पहुंच सकते हैं, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, हो सके तो एक रेस्क्यूअर को बुलाएं और उसका रेस्क्यू करें, इन जीवों की भी रक्षा करें और अपनी सुरक्षा भी निश्चित करें। तो आज की कहानी यही समाप्त होती है, अगली कड़ी में हम फिर आपको दिखाएंगे किसी नई जगह पे, किसी नए पड़ाव पे कोई नया रेस्क्यू, और सावधान रहें, सतर्क रहें, सजग रहें।